भी जिस तरह से सरकार ये कह रही है भी आपका ट्रैक्टर हमें टैंक लगता है, आपकी ट्रॉली खतरनाक लगती है, बगैर ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर जो किसान है वो दिल्ली चले जाएं, जो हरियाणा की सरकार का, केंद्र की सरकार का, दिल्ली के बड़े अधिकारियों के बयान जो अखबारों में मीडिया पर आए थे, तो इसलिए हमने निर्णय ले लिया था कि जो हमारे बाहर दूर दराज के राज्य हैं जहां वो ट्रैक्टर ट्रॉली फोर्ट ही नहीं कर सकते, वो या तो रेल पर आएंगे या चल कर आएंगे, ठीक है, ये दो या कोई अन्य तरीके से आएंगे, तो आज वो जंतर मंतर पर पहुंच के धरना लगाएंगे। अब सरकार बोल रही है कि ये आंदोलन केवल पंजाब का है। मान लिया भाई, आज अब पंजाब हरियाणा ने तो जाना नहीं था, हमने तो बोल रखा, तो फिर जंतर मंतर पे 144 किसके लिए थी? अब जो पूरी तरह सिंघू टिकरी गाजीपुर इनके ऊपर इतनी बैरिकेटिंग या पुलिस क्यों थी या रेलवे स्टेशन पे पुलिस क्यों थी, ये तो सरकार ने मान लिया। आज ये आंदोलन पंजाब हरियाणा का नहीं, पूरे देश भर का है, इसीलिए उन्होंने धारा 144 दिल्ली में लगाई, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, और ये भी सरकार ने बात मान लिया कि हम किसी भी किस्म के लिए किसान को राजधानी में घुसने नहीं देंगे। ये तो निर्णय स्पष्ट हो गया। जो आज की हमारे पास ताज़ा है, एक तो हम नया ऐलान है जो कि हम 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वोमेन डे है उसको मनाएंगे, ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर और पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी हमारी सपोर्ट में लोग हैं वो वहाँ वहाँ पर मनाएंगे। बड़ी तादाद में महिलाएं इन दो बॉर्डरों पर आके पहुँचेगी। और एक बात बड़ी जो और है, जो लगभग हरियाणा की सभी खाप पंचायतें हैं उन्होंने हमें पूरी तरह समर्थन दे दिया है, और आगे की आपसे बात रखेंगे। जो आज का कार्यक्रम था, ठीक है, इसमें जो यूपी फरोजाबाद जो मंडल आर्मी के हमारे साथी है वो जंतर मंतर पर पहुंचने में कामयाब हो गए, ठीक है, अपनी कोशिश कर रहे हैं, अब देखने आगे का हमें मालूम हो जाएगी डिटेल। बाघ जिला राजस्थान, ठीक है, धर्मा धाकड़ तकरीबन 50 के करीब साथियों ने रात जो है उनको डिटेन कर लिया गया। ये राजस्थान में देखिए बोल रहे हैं आप, हमने तो ऐलान किया था भी वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं आएंगे, तो रात को यहाँ बाघ जिला राजस्थान धरना धाकड़ में 50 के करीब जो बड़े लीडर से उनको गिरफ्तार कर लिया। जिला बारह दूसरा है कोटा बूंदी राजस्थान, 30 किसानों को जथा रेल पर आ रहा है, ये स्वाय माधोपुर पर इनको डिटेन कर लिया गया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। दूसरा है दक्षिण भारत और मध्य भारत, अभी उनसे रापता नहीं हो रहा, अभी डिटेन हो गए हैं, मोबाइल भी नहीं उनसे मिल रहा है, भी क्या बना है ये आपको डिटेल बताएंगे। उनको रेल में चढ़ने दिया गया कि नहीं दिया गया। दूसरा राजस्थान 50 किसान जथा 3:30 बजे ये पुलिस उनको रोकती रही है, वो आगे चल पड़ा है, तकरीबन इनका जथा जो पैदल चलना था वो चला हुआ है लगभग, अब देखते हैं उनकी आगे की खबर क्या होगी। तो कल रात से जो किसान लीडर के 100 से करीब जो ट्विटर हैंडल है वो बंद कर दिए गए, लगभग 100 से अधिक, तो ये हा। और आगे की बात, जो अभी दूर दराज से जैसे आप तमिलनाडु से, केरला से, ये और अन्य राज्यों से, साउथ इंडिया से लोग चले हैं, उनका आज नहीं हुआ आएंगे, वो कल परसों तक दिल्ली में आएंगे, तब पता चलेगा वो क्या करता। बिहार वाले भी आज पहुंच नहीं सकते, मध्य प्रदेश वाले, अब उनकी डिटेल आनी है कि उनको चढ़ने दिया गया कि नहीं चढ़ने गया, लेकिन अभी ये 2-3 दिन काम चलेगा। बाहर से किसान आएंगे, या तो सरकार डिटेन करेगी या फिर उनको जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। जो हम देख रहे हैं सरकार की पक्की अनाउंसमेंट है भी जंतर मंतर पर किसी किस्म की धरना देने की, मोर्चा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज पहला दिन है दूसरे राज्यों का दिल्ली बढ़ने का, तो पहले दिन ही मोदी सरकार का चेहरा हमने पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। और मैंने पर्सनल तौर पर जो जो रेल पर चढ़ रहे हैं लोग उनकी डिटेल आपको वीडियो भी भेज दी है,
जो भी मेरे पास पिक्चर है, जहाँ जहाँ से हमें समर्थन मिल रहा है उनकी भी हमने आपको दे दी। देखिए लखीमपुर खीरी में जो खबर मिल रही है, अभी हर घर में पुलिस जा रही है। जैसे हरियाणा में 75,000 अर्धसैनिक फोर्स लगाए, तो लखीमपुर के घर घर में पुलिस पूरी तरह घुसी हुई। भी यहाँ से किसी को दिल्ली की ओर रवाना हम लोग नहीं होने देंगे। और मेरे पास अभी डिटेल और भी थी कि कुछ यूपी के दो जत्थे दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, मैं उसको विस्तार जानकारी आगे आपसे साझी करूँगा जो मुझे मांगड़ से मिली थी। और इसी के साथ साथ जो हमने 10 तारीख का रेल रोको आंदोलन करना है, ये उत्तर भारत के लगभग 30 जिलों में अभी तक जो हमें कन्फर्म मिला, अभी तक 30 जिलों में उत्तर भारत में ये आंदोलन की पुष्टि हमने कर ली है। ठीक है, ये की डिटेल आ गई, आपको लिखकर बता देंगे, लंबा हो जाएगा पीसी में क्या क्या। पंजाब में लगभग 22 जिलों में, ठीक है, अभी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के भी पूरे ठिकाने हमें मिलेंगे, लगभग हमारे आ गए हैं। तो सभी पंजाब में पूरे 22 जिलों में रेल रोको आंदोलन बड़ा होगा। और जो मैं खुद लगभग देवीदासपुरा अमृतसर में, वहाँ खुद जब रेल रोको होगा तो वहाँ जाऊँगा यहाँ से। और सभी जिलों में बड़े आंदोलन होंगे और बड़े लीडर वहाँ जाके संबोधित करेंगे, और खुद भी मैं जाऊँगा देवीदासपुरा अमृतसर में। इसी के साथ जो खाप पंचायते समर्थन दे रही उनका धन्यवाद। कल भी एक बड़ा जथा हमारे समर्थन में यहाँ पहुँच रहा है। अब 23वां दिन हो गया हमें यहाँ मोर्चा लगाए हुए, और इससे 5 दिन पहले बंद था ये बॉर्डर। तो हम मोदी सरकार जी से कहना चाहेंगे, दोनों फोरमों की रिक्वेस्ट ही होगी कि हमने तो निर्णय ले लिया कि हम इन बॉर्डरों पर बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक आप रास्ता खुला नहीं देते। ठीक है, तब फिर दिल्ली का घेरा क्यों है? दिल्ली के व्यापारियों को आप क्यों तंग कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों को आप क्यों तंग कर रहे हैं? हम तो आपसे 200-250 किलोमीटर पीछे बैठे हैं, और हमारा निर्णय भी होगा जब तक आप रास्ता नहीं देंगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अब कौन सी आपको शक्ति डरा रही है? आप किसानों के नाम पर कब तक दिल्ली वासियों को तंग करेंगे? वो छोड़ दे, हमने कल भी रास्ता नहीं रोका था, आज भी रास्ता नहीं रोका। और अब जब हम यहाँ बैठ गए, आपने 75,000 अर्धसैनिक फोर्स जो हरियाणा में लगाए इसलिए लगाए कि किसान आगे ना बढ़े, तो किसान तो बैठ गए बॉर्डरों पर। अब वो 75,000 फोर्स बाहर निकालिए, उसकी ज़रूरत क्या है? जो यहाँ इसके पीछे जो नाके हैं वो पूरे खोलिए, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है अब केंद्र का, हरियाणा सरकार का चेहरा नंगा हमने कर दिया कि ये किस तरह का जबर पंजाब और हरियाणा के ऊपर ढा रहे हैं। और अब तो केंद्र ने स्पष्ट कर दिया दिल्ली में पूरी तरह फोर्स लगा के भी यह आंदोलन पंजाब हरियाणा का नहीं है, हमने तो जाना था ये देश भर के किसानों का। तो ये स्पष्टता होगी, और आने वाले समय में जब हम 10 का रेल रोको आंदोलन करेंगे 12 से 4 बजे तक, तो मोदी जी पूरी तरह देख लीजिएगा ये देश भर में आंदोलन होता हुआ नजर आएगा। आप जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार है आप पूरी तरह पीटेंगे किसान मजदूर को, फिर भी किसान अपने घरों से निकलेंगे, जहां तक पहुंच सकता वो पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। लखीमपुर खीरी दे विच जिस तरह अजय मिश्रा टैणी नू इस सरकार ने बीजेपी ने टिकट दे के निवाजिया किसानां दे कातल नू, ये दसदा है कि बीजेपी जिहड़ी है हले भी पिछले अंदोलन तो ते इस अंदोलन तो कुछ सीख नहीं सकी। इसका सीधा सीधा इशारा है कि जिहड़ा ये बीजेपी प्रचार कर रही है आप दे गोदी मीडिया वालों कि ये अंदोलन जिहड़ा कल्ला पंजाब दा है ते हरियाणे दा है, हुण राजस्थान दे विच लीडरां दे घरां च जा के धर्मा धाकड़ जी दी जिस तरह इन्हां ने पुष्टि की कि उन्होंने घर जाके उन्होंने डिटेन कर लिया गया मैक्सिमम लीडर्स नू। हुण सब तो वड्डी गल ए है कि इन्हां दे वलों साबित ये किया जा रहा है कि ये सरकार लोकतंत्री ढंग जिहड़ा प्रचार करते हैं असीं दुनिया के मुल्कां विच जाके ये सिर्फ ढंडोरा है। अज तुसीं अपने देश के किसानां मजदूरां दे उत्ते जिहड़ा चादर ढा रहे हो, जिहड़ा उन्हां दा संविधानिक हक है अपने देश की राजधानी दे विच शांतमई रह के प्रदर्शन करना,
ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟਹਿਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ? ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 'ਚ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ PM ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਤੇ MSP 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮ ਜਮ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬੁਲਾਰਾ, ਅਭੀ ਅਭੀ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਸਭੀ ਖਾਪੋ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟਟੋਲੀ ਗਾਂਵ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਸਮਰਥਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਅਭੀ ਅਭੀ ਸਭੀ ਖਾਪੋ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲੇ, ਵਰਨਾ ਖਾਪੋ ਨੇ ਕੋਈ ਕੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਖਾਪੋ ਨੇ ਯੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗੇ ਹਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੈਂ ਆਜ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਖਾਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਇਸਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਭੀ ਸੇ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਤ ਜੋ ਆਜ ਕੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਬ 13 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਖਾਪੋ ਨੇ, ਰੋਹਤਕ ਕੀ ਸਭੀ ਖਾਪੋ ਨੇ ਟਟੋਲੀ ਗਾਂਵ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਰੋਹਤਕ ਜੀਂਦ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਐਸਆਰ ਕੀ ਖਾਪੋ ਨੇ ਜੀਂਦ ਭਿਵਾਨੀ ਰੋਡ ਪਰ, ਔਰ ਦਾਦਰੀ ਕੀ ਖਾਪੋ ਨੇ ਜੋ 152D ਜਾਤਾ ਹੈ ਯੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸੇ ਨਾਰਨੌਲ ਤੱਕ, ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ 3 ਧਰਨੇ ਚਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਜ ਅਭੀ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਖਾਪੋ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੈਂ ਖਾਪੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਯੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ 10 ਦਿਨ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਯਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਤੀ ਤੋ ਔਰ ਕੜਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਪੇ ਲੇਂਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਯੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਏ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇ। ਯੇ ਆਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰੋਹਤਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੇਂ ਯੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਔਰ ਆਡੀਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਹਮਾਰੇ ਜੋ IT ਸੈੱਲ ਕੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਵੋ ਸਭੀ ਭੇਜ ਦੇਂਗੇ, ਔਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਾਪੋ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਂ ਵੀ ਵੋ ਸਾਥ ਥੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਤਾਰੀਖ ਸੇ ਜੋ ਧਰਨੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਮੇਂ ਚਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਅਬ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਸਭੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਮੇਂ ਧਰਨੇ ਚਲੇਂਗੇ, ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
आज एक इस आंदोलन को, एक तो ये तिलसम टूट गया है कि ये आंदोलन पंजाब का है, आज हरियाणा की खापों ने जिसका इतिहास 1700 साल का है, हर्षवर्धन के टाइम की खापे हैं, उन्होंने आज कंप्लीट अपना हरियाणा की खाप समाज ने समर्थन दे दिया किसान आंदोलन को।